गुजरात और बिहार में शराब बंद होने के बाद सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि दिल्ली में 20 मार्च 2019 के बाद से शराब मिलनी बंद हो जाएगी और दिल्ली को ड्राई सिटी के रूप में बदला जाएगा। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी के दौरान शराब की कीमतें बढ़ने की भी संभावना है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में शराब की कीमतें 50 रुपए तक बढ़ाई जा सकती हैं। शराब को खरीदने के लिए आधार कार्ड की पहचान कराना अनिवार्य होगा। 25 वर्ष से कम आयु वाले लोग लीगल तौर पर शराब नहीं खरीद सकेंगे और एक आधार कार्ड पर हफ्ते में सिर्फ एक बोतल शराब यानी 750 ml शराब ही खरीदी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नियम का ऐलान कब हुआ, तो आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए आपके साथ एक अनूठे स्वभाव में होली खेलने के लिए बनाई गई है। वो कहते हैं ना, बुरा ना मानो होली है। पंजाब केसरी के परिवार की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब पेज punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जतिन शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली से।